Hello, my dear friends. Welcome to all of you in today's lecture. And today we will discuss the concept of commutators. What is the commutator element? As well as we will discuss the derived subgroup. तो इन सभी चीज़ों को वन बाय वन हम समझेंगे कि इन सब की डेफिनेशन एक्चुअली क्या है, कम्यूटेटर्स क्या होते हैं, कम्यूटेटर एलिमेंट्स क्या होते हैं, और फिर हमसे हम ड्राइव्ड सब ग्रुप कैसे जनरेट कर सकते हैं. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रा अ ग्रुप, क्योंकि ये सभी जो पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सभी एक ग्रुप के पार्ट हैं. तो मान लेते हैं हमारे पास कोई ग्रुप है. ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू कंसीडर अ वन ग्रुप दैट नेम इज जी. तो इस जी अगर कोई ग्रुप है तो उसके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होंगे. तो मैं मान लेता हूँ कि सबसे पहले बात करूँगा मैं कम्यूटेटर एलिमेंट क्या होता है. तो इस ग्रुप के पास अगर बच्चों कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई एलिमेंट है ए, सिमिलरली कोई एलिमेंट है बी एंड सी, दिस काइंड ऑफ एलिमेंट्स आई हैव ई डी ई एफ वट एवर. तो जो कम्यूटेटर होगा वो दो एलिमेंट्स को मिलकर बनाया जाता है. जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं. मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट मैंने बात की बी. ये दो एलिमेंट मैंने कहां से लिए? दोनों एलिमेंट्स मैंने लिए जी से. अब इन दोनों एलिमेंट्स को मैं एक फॉर्मेशन में ड्रा कर दूं, लाइक एक इनकी अलग से फॉर्मेशन बना दूं, और वो फॉर्मेशन ऐसी हो कि ए का इनवर्स इनटू में बी का इनवर्स इनटू में ए और इनटू में बी. यानी कि इनको ऐसे लिख दिया मैंने, एक फॉर्म बना दी, और ये पूरा जो एलिमेंट है ये किस में चला गया? चला गया किस में? जी के अंदर. यानी कि दो एलिमेंट लिए, इन दोनों की फॉर्मेशन ऐसी बनाई, और वापस एलिमेंट किस में है? जी में है. तो इस जो ये फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन को बोलते हैं कम्यूटेटर ऑफ टू एलिमेंट. यानी कि दैट इंप्लाइज आप लिख सकते हैं इसको ऐसे ब्रैकेट में ए कॉमा बी करके, ये ब्रैकेट कर दी मैंने बंद, ठीक है, ए कॉमा बी, और इसको बोलते हैं इज कम्यूटेटर ऑफ टू एलिमेंट, इज कम्यूटेटर ऑफ टू एलिमेंट. तो इसका मतलब जो कम्यूटेटर है वो एक्चुअली क्या है? वो ये है ए बी, इस भी आप लिख सकते हो. और इसको एक्चुअली लिखा कैसे गया है? इसको लिखा गया है ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए बी. यानी कि इसी का ही मतलब क्या है, इसको लिखने का तरीका ये, जब भी आपको ए कोमा बी ऐसे ब्रैकेट में लिखा मिले ग्रुप के अंदर, तो आप समझें कि ये क्या है, एक कम्यूटेटर एलिमेंट है, ठीक है. तो दिस इज अ कम्यूटेटर ऑफ टू एलिमेंट्स. तो ये दो एलिमेंट्स का कम्यूटेटर है. इसी तरीके से ये तो पहली हमारी बात हुई कि कम्यूटेटर एक्चुअली होता क्या है. अब अगर मैं इसे कम्यूटेटर एलिमेंट ड्राइव करने की कोशिश करूँ, अब ड्राइव कैसे करते हैं देखिए. सेकेंडली अगर मैं यहाँ से ये बनाऊं कि कम्यूटेटर एलिमेंट क्या होगा, सो चीज़ सेम है, बिल्कुल कुछ फ़र्क नहीं है. तो अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास कोई एलिमेंट बिलोंग करता है जी में, और वो एलिमेंट है मान लीजिए वाई, वाई बिलोंग्स टू जी, ओके. तो वाई को मैं एलिमेंट बोलूंगा, कम्यूटेटर एलिमेंट्स बोलूंगा. सो वाई इज कम्यूटेटर एलिमेंट. चीज़ें थोड़ी छोटी छोटी सी हैं बट इनका मीनिंग बहुत बड़ा है. Y इज कम्यूटेटर एलिमेंट. आपको लग रहा सर ऊपर अभी कम्यूटेटर एलिमेंट ही तो बताया आपने, तो देखो इसमें क्या फर्क आएगा. Y को मैं कम्यूटेटर एलिमेंट बोल रहा हूं अगर क्या होता है, इफ देर एग्जिस्ट एक A और एक B अगर मेरे G को बिलोंग करते हैं, एंड ये मेरा Y है, मैं इसको ऐसे लिख सकूं लाइक A इनवर्स B inverse AB. It means कि ये notation किसकी थी? Commutator of two element. यानी कि दो element का जब commutator बनाया जाता है तो वो ऐसे draw किया जैसे बनाया जाता है. अब मैं commutator element होगा तो इसका मतलब उस element को हम commutator element बोलेंगे जो दो elements के commutator को represent कर रहा हो. यानी कि अगर Y एक commutator element है तो definitely Y किसी दो elements के commutator के equal होगा. Got my point of? Okay. तो ये अपने पास बन गया कम्यूटेटर एलिमेंट. अब तीसरी चीज मैं आपको और ड्रा करके दिखता हूं वो क्या होगी. देखो बच्चों, इन द थर्ड प्लेस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्राइव्ड सब ग्रुप,
ठीक है, एक वर्ड आएगा ड्राइव्ड सब ग्रुप। मैं सबसे पहले इसको द ड्राइव्ड सब ग्रुप। अब ये ड्राइव्ड सब ग्रुप एक्चुअली है क्या? देखो ये मेरे पास ग्रुप जी था, इस ग्रुप जी के अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक अलग से एक सेट ड्रा कर लिया कुछ ऐसा, ठीक है, और उस सेट को मैं कुछ नाम दे देता हूं। मान लीजिए कुछ भी आप नाम दे दीजिए, एच दे दीजिए, जी दे दीजिए, जो मर्जी है, पर ये उसका एक सब सेट है। अभी तक अभी मैंने इसको सब ग्रुप नहीं बोला। तो ड्राइव्ड सब ग्रुप का एक्चुअली मतलब ये होगा कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, मान लीजिए एक्स एग्जिस्ट करता है, वाई एग्जिस्ट करता है, जेड एग्जिस्ट करता है। अब अगर इस जो ये अंदर वाला सेट है इसका हर एक एलिमेंट एक कम्यूटेटर एलिमेंट हो तो ये जो अंदर वाला सेट है ये अपने आप में एक ड्राइव्ड सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। यानी कि मतलब ये हुआ कि अ सब ग्रुप जनरेटेड बाय ऑल कम्यूटेटर्स ऑफ जी, अ सब ग्रुप, अ सब ग्रुप जनरेटेड बाय ऑल कम्यूटेटर्स, जनरेटेड बाय ऑल कम्यूटेटर्स ऑफ जी। तो जी के जितने भी कम्यूटेटर बनेंगे उनसे जो ग्रुप, जो सब ग्रुप जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड सब ग्रुप। और ड्राइव्ड सब ग्रुप को डिनोट किससे किया जाता है, डेल्टा से, लाइक डेल्टा जी लिखा जाएगा। तो आप समझें कि ये आपका ड्राइव्ड सब ग्रुप है, लाइक मैं लिख सकता हूं डेल्टा जी, ऐसे इसको डिनोट किया जाता है, और समटाइम इसको जी डैश से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आप ये समझें कि मान लीजिए जी डैश के पास तीन एलिमेंट लिखे मैंने, एक लिख दिया एक्स, एक लिख दिया वाई, एक लिख दिया जेड, यानी कि इसको मैं लिखूंगा एक एक्स एक वाई एक जेड। सो इट मीन्स ये आपका एक ड्राइव्ड सब ग्रुप बन गया, एंड यू आर वेरी मच श्योर कि ये जो एक्स वाई जेड है ये सारे क्या हैं, ये कम्यूटेटर एलिमेंट हैं। अब ये अगर कम्यूटेटर एलिमेंट हैं तो ये कैसे हो, कैसे सकते हैं? तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि ये कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनमें कि ये जो एक्स है आपका, जो एक्स हो सकता है, एक्स हो सकता है कोई ए इनवर्स और बी इनवर्स इंटू ए बी के बराबर हो, और वाई आपका हो सकता है कोई सी इनवर्स इंटू डी इनवर्स इंटू सी डी के बराबर हो, और जेड आपका हो सकता है कोई ई इनवर्स इंटू एफ इनवर्स इंटू ई एफ के बराबर हो। यानी कि ये अपने आप में एक कम्यूटेटर एलिमेंट होंगे, ठीक है। यानी कि इस जो सेट है ना, ये जो डेल्टा जी मैं लिख रहा हूँ, इस सेट के अंदर हर एक एलिमेंट एक कम्यूटेटर एलिमेंट होगा। तो कम्यूटेटर दो एलिमेंट्स का जो कम्यूटेटर बनता है वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर इसको अगर एक सिंगल एलिमेंट से हम रिप्रेजेंट करें जैसे y इज इक्वल टू इनवर्स बी इनवर्स इनटू ए बी, तो ये बन जाता है कम्यूटेटर एलिमेंट। और जब कम्यूटेटर एलिमेंट्स किसी ग्रुप को जनरेट कर दें उसको बोलते हैं ड्राइव्ड सब ग्रुप, और ड्राइव्ड सब ग्रुप एक पार्ट होता है ग्रुप का, और उसको लिखते हैं डेल्टा जी की फॉर्म में या फिर जी डैश में, और उसमें वो सारे कम्यूटेटर एलिमेंट लिखे जाते हैं क्योंकि ये कम्यूटेटर एलिमेंट से जनरेट होता है। सो दिस वाज द ऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ कम्यूटेटर, कम्यूटेटर एलिमेंट्स एज वेल एज ड्राइव्ड सब ग्रुप। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज वॉच, प्लीज सपोर्ट एंड प्लीज कमेंट एंड शेयर इफ यू फील दैट माई एफर्ट्स आर यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।